पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर 31 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संजीव अरोड़ा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री परगट सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों को धोखा दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को इस्तीफा सौंपा। भाजपा ने 16वीं पंजाब विधानसभा के लिए अपने चुनाव का हवाला देते हुए राज्य सदस्यता से इस्तीफा दिया। प्रताप सिंह बाजवा ने स्थिति में कहा कि मुझे बीते 6 सालों के दौरान सदन में पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। पंजाब के लोगों की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। विधानसभा चुनाव में प्रताप सिंह बाजवा दिया सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं।